चलिए। ठीक है ना, एक बार। हाँ, क्या बात है, ये ग्रेटर देन जीरो और ये ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, आपको डोमेन मिल गया, और फिर ये यहाँ से एक्स ग्रेटर देन जीरो, फिर ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का इंटरसेक्शन ले लिया, फिर टू टू ऑनवर्ड्स। ठीक है, किसी को डाउट नहीं था ना थर्ड नंबर में? किसी बच्चे को डाउट है, एक बार आप बता दीजिए यस या नो में, रिप्लाई करिए फटाफट आप, देन आई विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर्स नहीं बन रहे हैं बच्चे एग्जैक्टली, आप सभी लोगों की गड़बड़ हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के, तो प्लीज आप थोड़ा सा समझिए चीजों को, जहां डाउट है वहां पूछ लीजिए, ठीक है ना, जहां पे डाउट है वहां पे मुझसे पूछ लीजिए। अभी से समझ में आ गया ना बच्चे? अदिति, आर्यन, दीपाली, हर्षल, जानवी, जयेश, रोहित, सभी को समझ में आ गया क्या? सौरभ, तन, विशाल, विराज, वैभव, सभी को समझ में आ गया ना बच्चों? प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, समझ में आया तभी आप मैसेज करें, नहीं आया तभी आप मैसेज करें प्लीज, बिकॉज द वे आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर गेटिंग और नॉट, ठीक है ना बच्चे? क्योंकि आपको भी पता है बच्चे, यहाँ पे आपको ऐसा तो है नहीं कि म्यूट हटा रखा हूँ, क्योंकि ये आपको भी रीजन पता है कि अगर म्यूट हटाएंगे तो वहां पे इको होगी बहुत ज्यादा आवाज, 2023 लोग अगर कनेक्टेड रहेंगे तो एक सब दूसरों की वॉइस अगर आएगी तो बहुत दिक्कत होगी क्लास में, इसलिए हमने उसको म्यूट कर रखा है। तो द वे इज कि वी हैव टू डिस्कस विद द चैट, चैट पे वी हैव टू डिस्कस आवर प्रॉब्लम, ठीक है, सो दैट्स व्हाई। चलिए लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन एंड ट्राई टू डू दैट वन, क्या अभी और क्वेश्चन ले लेंगे आज, आज लास्ट क्लास से थोड़ी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से और अच्छा आंसर निकालने की कोशिश करिए, ठीक है ना। चलिए लेट्स टेक अ क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, लॉग क्वेश्चन नंबर फोर है, लॉग फाइव दे रखा है, लॉग बेस फाइव दे रखा है, और लॉग है 3x + 1 < 2, क्या चाहिए आपको? एक्स की वैल्यू आपको जानते ही, वो तो बार बार करना है कि चीज। चलिए ट्राई एवरीबडी, प्लीज हरी अप एवरीबडी, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। ट्राई करिए सभी लोग, फटाफट आंसर बताइए सभी लोग, सभी लोग आंसर बताइए। फंडा बड़ा सिंपल सा है, फंडा बहुत बड़ा सिंपल सा है कि अगर बेस क्या है, एक से ज्यादा, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, डोमेन के अंदर आंसर होगा, ठीक है ना, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और ज्यादा हमें सोचना भी नहीं है ना, हमें कुछ करना है। ट्राई करिए सभी लोग, आंसर आए चाहे ना आए, ट्राई करिए सभी लोग, प्लीज हरी अप एवरीबॉडी, प्लीज फास्टर करिए बच्चे, करिए बढ़िया से, खूब मेहनत से पढ़िए और आगे बढ़ना है बच्चों, खूब मेहनत से पढ़िए और अच्छा करना है लाइफ में, तो चीजों को सीखना है, जो सिखाया जा रहा है वो सीखना है, अविनाश सर जो आपको बता रहे हैं, और हर चीज आपको समझ में आएगा, ये चीज आपने नोटिस किया होगा। आंसर देखिए, राइट मुझे किसी का अभी तक नहीं मिला है, आंसर किसी का भी राइट, आप सॉल्व कर रहे हैं लेकिन रॉन्ग हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, ट्राई तो करते रहिए, एंड दैट इज अ नाइस फॉर मी कि चलो यार एटलीस्ट सॉल्व तो कर रहा है बच्चा। चलिए आई एम चेकिंग द आंसर्स योर्स, फर्स्ट स्टूडेंट आई गॉट द राइट आंसर, वैभव वेल डन बच्चे, वेल डन, थैंक यू बोल सकते हैं वैभव, ठीक है ना, यू आर द एब्सोल्युटली करेक्ट सो फार, ठीक है ना। आप बाकी बच्चे जो तन्मय, जयस, विशाल, अदिति, आपके भी
क्लोज टू, यू आर द क्लोज टू दैट बट नॉट एग्जैक्टली, ठीक है ना वैभव, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे. और एनीबडी एल्स प्लीज ट्राई, एवरीबडी ट्राई करो, गलत हो चाहे सही हो बच्चे, ठीक है ना, ट्राई करिए. वेदांत आंसर दीजिए बच्चे, उदय ट्राई करिए बच्चे, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना आपको ना मुझे, सीखने आप सीख रहे बच्चे, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सीखेंगे ट्राई करेंगे गलत करेंगे तभी जाके अच्छा सीखेंगे. 3x + 1 > 0 as you know very well, x > 1/3 ये तो आपका डोमेन हो गया क्योंकि यहाँ पे और इनइक्वालिटी नहीं है. सो डीएफ डीआई जो है डोमेन क्या हो जाएगा, -1/3 to infinity. तन्मय आप सही हो दूसरे अटेम्प्ट में, तन्मय आप भी अटेम्प्ट में सही हो, ठीक है ना, -1/3 to infinity हो गया डोमेन इक्वेशन वन. अब आप जानते हैं कि ये 5 है, एक से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लॉग हटाने के लिए जैसे हटाएंगे उस तरह से 3x + 1 ये इसके पावर जाके चला जाएगा 5 की पावर 2, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती. अगर यहाँ पे 1/2 होता तो ये ग्रेटर देन हो जाता, 3x + 1 ये क्या हो जाएगा 25, और 3x ये इधर आके क्या कर देगा 24 बना देगा, या उसको 1 लेके चले जाते, बाकी अभी वही करना पड़ेगा. इक्वेशन दो, एक तो कह रहा है कि -1/3 to infinity और एक कह रहा है 8 से कम, -1/3 to infinity एक कह रहा है और एक कह रहा है कहीं इधर 8 है 8 से कम, तो आप खुद ही बता दोगे क्या रीजन आंसर आएगा इसका. ये दोनों रीजन जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बात समझ में आता है ना कि आपको दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, हो सके किसी को डाउट है तो मुझे आप बोल दीजिए, थोड़ा सा मैं और इसको एलोबरेट कर देता हूँ, थोड़ा और समझा दूंगा. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, कि ये दोनों कॉमन रीजन मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द इंटरसेक्शन, वी आर गोइंग फॉर द इंटरसेक्शन. बात समझ में आया कि नहीं. और बच्चों देखो, मैं ट्राई करने को इसलिए भी देता हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने गलत किया कोई बात नहीं, आप कुछ भी नहीं लगता है बच्चे, गलत हो चाहे सही हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना. अपनी गलतियां समझ में आ रही है कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिए जिसका जिसका रॉन्ग आया था, कि आपने क्या मिस्टेक करी थी मुझे आप प्लीज, इफ यू पॉसिबल यू कैन गिव मी द फीडबैक ऑफ योर्स, कि सर मैंने ये मिस्टेक करी थी दैट्स व्हाई आई गॉट द राइट रॉन्ग आंसर. चलो बहुत अच्छी बात है आदिति बच्चे, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, अपनी गलतियां से ही बच्चा सीखता है, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, होने दो मिस्टेक, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, एग्जाम में मिस्टेक ना होना चाहिए बस. इनइक्वालिटी में मिस्टेक कर दिया होगा आपने, ग्रेटर देन और लेस देन वाले कौन से, ये बार बार रिपीट हो रहा है बच्चे, कुछ नया नहीं रिपीट कर रहा हूं मैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं यही चीज, समझ में आया कि नहीं. ठीक है ना, चलिए, और किसी को डाउट है, एनीबडी हैव एनी मिस्टेक प्लीज लेट मी नो. किसी को डाउट है? हाँ जी बच्चे बताइए. वेदांत समझ में आया? वेदांत, विराज, यस, थैंक यू बच्चे. और किसी को दीपाली बच्चे समझ में आया आपको? आर्यन दीपाली समझ में आया बच्चे आप लोगों को? चलो थैंक यू बच्चे, समझ में आना चाहिए, नहीं आया तब तक पूछते रहे आप लोग, ठीक है ना, जब तक नहीं आएगा तब तक मैंने आगे बढ़ूंगा. log a x minus
plus log x plus 3, x plus 4 है. ठीक है ना, ट्राई करिए. ट्राई करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन ये चेंज है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर चेंज है. ठीक है, ट्राई कर रहे हैं कि मैं बता दूं फटाफट, मैं ही सॉल्व कर दूं. ट्राई कर रहे हैं बच्चों कि नहीं? ट्राई कर रहे हैं? करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मेहनत मत, हार्ड वर्क करते रहिए, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए. ट्राई ट्राई कर, रॉन्ग तन में रॉन्ग. सोच समझ के आंसर, एक बार जब भी आप आंसर बोलो ना तो एक बार वैल्यू रख के चेक भी कर लिया करो, क्या मैं सही कर रहा हूं क्या. आप एक काम करो, छोड़ो दुनियादारी, आप एट रख के देखो, एट नहीं रखे, एक कोई ऐसी वैल्यू रख के देखो जिसे एट रख के देखो, ये क्या हो जाएगा, एट रखते ही आठ और चार बारह. आप कोई, आप जैसे इन्फिनिटी बोल रहा है बच्चा, तब देखो कितना फर्क, सिक्सटी रख के देखो, सिक्सटी रख के देखो तो सिक्सटी फोर हो जाएगा, तो ओवरऑल टू हो जाएगा ही तन्मय. अगर आपने साठ रख के देखा, आप कहोगे सर साठ क्यों रखा, साठ प्लस चौसठ फिफ्टी एट स्क्वायर मतलब टू हो जाएगा, तो टू प्लस समथिंग, टू प्लस कोई और नंबर, कभी एक से तन्मय गलत है ना, तन्मय रॉन्ग है ना बच्चे. एग्जाम में लीनियर इनइक्वालिटी, सॉरी लॉगरिथम इनइक्वालिटी इतना जबरदस्त चैप्टर है ना, अगर एग्जाम में आए तो ये कभी रॉन्ग भी ना हो. आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लो बच्चे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बिलीव नहीं करोगे, एडवांस के क्वेश्चन में वैसे मैंने किया है, एडवांस के क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लिया है. हाँ इंटीजर टाइप आ गया तो मेरी मजबूरी है, ठीक है ना, ये तो छोटा और एडवांस सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम है, तो थोड़ा सा अपना स्टाइल यूज करना है और बाकी कुछ नहीं. आप तन्मय जब तक सिंबल नहीं दोगे, मुझे क्या पता क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल है, एक तो ग्रेटर देन जीरो और एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, ये x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन थ्री और x ग्रेटर देन जो होगा माइनस फोर, तो यहाँ पे क्या कॉमन दोनों में आ जाएगा, एक कह रहा है माइनस चार, ये डायरेक्ट आप बता सकते हो कि तीन पॉजिटिव, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट माइनस चार से ज्यादा और तीन से ज्यादा, तो मतलब तीन से ज्यादा ही होगा. तो डोमेन ऑफ, डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन होगा वो क्या होगा, थ्री टू इंफिनिटी, ठीक है ना. अब आते हैं वैल्यू की तरफ, अब वैल्यू क्या कहता है, देखो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का टेंशन है, आप देखिए कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है ना. अब यहां से ये लॉग क्लब कर लेंगे, देख रहे हैं आप कैसे क्लब करेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फोर, देख रहे हैं. अब ये log a, ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करना है, x ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर प्लस 4x और मतलब ये सीधा सीधा x माइनस 2, मल्टीप्लाई करने आता ही होगा बच्चे आप लोगों को, ठीक है ना. अब आप समझते हैं यहाँ पे चीज, ये 8 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी log हटाने के लिए,
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 लेस देन 8 की पावर 1, मतलब 8। तो अब ये बेसिकली क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 लेस देन 0। वैभव आंसर फ्लक्चुएट कर रहा है आपका बच्चे, टू बी कॉन्फिडेंट, मैं यही चाहता हूं आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाओ। और मुझे नहीं लगता यार कि इतना मल्टीपल मेथड्स यूज हो रहा है या हर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा। सेकेंड इज फाइनल सर, या एग्जैक्टली दैट इज अ राइट, बट मेरे को थोड़ा सा ये है कि आपका दूसरे बार में राइट हुआ बच्चे, कहां पे मिस्टेक किया था बच्चे, कोई बात नहीं है, बट ये मुझे जानना है बस आपके थ्रू कि आपने क्या मिस्टेक किया था। बाकी आप जानते ही हैं कल्चर, ये इक्वेशन वन है, अच्छा डोमेन बाकी रह गया था तो ठीक है ये देखो लेस देन जीरो है ना ये, तो ये तो एक फोर देगा एक माइनस फाइव देगा। विविकर मेथड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब लेस देन जीरो तो आप जानते हैं ये रीजन खत्म हो गया। अच्छा मैं समझ गया आपकी गलती क्या होगी, तो माइनस फाइव टू फोर और ये हो गया इक्वेजन टू, ठीक है ना। अब इक्वेजन वन और इक्वेजन टू में कॉमन ले लेना है, तो एक तो माइनस फाइव, एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है माइनस फाइव टू फोर ये हो गया, और एक कह रहा है थ्री ऑनवर्ड्स, थ्री कहीं इधर होगा ये इन्फिनिटी तक, ये दोनों कॉमन रीजन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू फाइनल आंसर, दिस इज अ फाइनल। This is the final answer. बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया, समझ में आया तो यस अदरवाइज नो, समझ में आया तो यस अदरवाइज नो, सेम ट्रेडिशन चलता जा रहा है, थोड़ा सा चीज था, समझ में आ गया तो यस अदरवाइज नो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, गलतियां करो, गलतियां करने से मुझे कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, मैं बता दूं आपको, मुझे इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं है कि बच्चों का रॉन्ग आ रहा है, बस बच्चे सॉल्व करें इस बात का ऑब्जेक्शन मुझे रहेगा, बच्चे सॉल्व करें, रॉन्ग आए राइट आए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट कभी कभी दिमाग से उतर भी जाता है, इसलिए गलतियां हो जाती है कि ये चीज भूल गए, ये चीज स्किप कर गए, क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ एज ए टीच एज ए स्टूडेंट, मैं भी तो एक स्टूडेंट था हूँ, तो मैं भी एक मेरे दिमाग में रहता है वो बातें कि कौन से चीजों को कंसीडर करना है कौन से चीजों को कंसीडर नहीं करना है, वो आपको स्टेप्स आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चे, समझ में आया कि नहीं बात, आपके दिमाग में वो स्टेप्स आना चाहिए। किसी को डाउट है क्या फिफ्थ क्वेश्चन में, किसी बच्चे को डाउट है क्या, किसी बच्चे को डाउट है क्या फिफ्थ में, प्लीज आस्क मी कि सर यहां पे डाउट है, प्लीज आप पूछो ना बिंदास होके, आप हेजिटेशन मत करिए। आर्यन चैतन्या किसी बच्चे को, दीपाली बच्चे किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए आप बिंदास हो कि, आप इतना दिन से आप पढ़ रहे हो आप समझ गए होगे सर कैसे हैं मैथ्स वाले, कभी भी आप बिंदास हो के डाउट पूछो, आपको लगे तो आप मुझे बार बार पूछो। ठीक है बड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है,
बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बच्चे सॉल्व करो, बड़ा सा मतलब कहोगे कितना आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। इसलिए क्वेश्चन देने का मतलब यह है कि आप सभी से आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन के। बताइए बताइए बताइए, सभी लोग बताइए आंसर इसका। बट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक चीज याद रखिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। टेक योर 2 मिनट्स मोर, एक दो मिनट ले लो, लेकिन रॉन्ग नहीं होना चाहिए प्लीज एवरीबडी, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा अभी तक। इनइक्वालिटी में इससे आसान क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं मिलेगा। और किसी का आंसर आया? और कोई बताइए प्लीज, आप आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं? फटाफट बताइए सभी लोग, बताइए बताइए बताइए। वैभव क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का? चैतन्य आंसर क्या आया बच्चे इस क्वेश्चन का? देखिए मैं बताता हूं, तन्मय देखिए, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात तो बताया आपको, और यही आपका डोमेन है, 0 to infinity इक्वेशन 1। और 5 है तो इनइक्वालिटी चेंज भी नहीं होगी, ये भी आपको पता है ये बात, x -3 हो जाएगा, 5 की पावर -3, और ये क्या है 125, क्योंकि इसको 5 की पावर 1/5 की पावर 3 कर देंगे, इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों का क्या लेते हैं आपको, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कैसे करेंगे आप देखो, भाई एक कह रहा है, एक कह रहा है 0 से आगे इंफिनिटी तक, और एक कह रहा है अब 1/1, बहुत छोटी वैल्यू होगी, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ा वैल्यू दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचिए कि बहुत बड़ी वैल्यू, इतना गैपिंग का है, बहुत छोटी वैल्यू है, ये बताने की जरूरत है नहीं। चलिए बताइए कितने लोग का आंसर आया था ये, कितने बच्चों का ये आंसर आया था?
बताइए 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 कितने बच्चों का आंसर आया था ये। किसी का नहीं आया था ये आंसर? चलो समझ में आया कि नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आंसर आया चाहे नहीं आया, समझ में अब आ गया कि नहीं? यस या नो, समझ में आया कि नहीं? अभी समझ में आना चाहिए। अरे एक बात बताओ बच्चे, आर्ग्यूमेंट x इक्वल टू x ग्रेटर देन जीरो के लिए तो डिफाइन है विशाल बच्चे, यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो के लिए तो आर्ग्यूमेंट डिफाइन है, आर्ग्यूमेंट कभी नेगेटिव होता है क्या विशाल? समझ में आया बच्चे, यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो के लिए तो डिफाइन है। बस आप मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिए, किसको हार्ड जा रहा है अभी भी लीनियर इनइक्वालिटी, सॉरी नॉर्मल लीनियर का नाम आ रहा है, लॉगरिथम इनइक्वालिटी, कितने लोगों को अभी समझ में दिक्कत आ रही है, कितने बच्चे हैं मुझे एक बार फीडबैक दीजिए अपना एक तरफ से सभी लोग। आई थिंक 14-15 लोग अभी हैं, ठीक है ना, कुछ लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बताइए कितने लोगों को हार्ड जा रहा है अभी, आप ऑनेस्टली से बताइए बच्चे, आप बताएंगे तभी मैं आपकी हेल्प करूंगा। चैतन्य हार्ड जा रहा है क्या जोरदार ज्यादा? और किसी को? अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, और बताइए, और किसको जा रहा है हार्ड जा रहा है? और किसी को थोड़ा सा हार्ड जा रहा है? कोई बात नहीं बच्चे, और बताइए ठीक है। और बाकी सभी लोग बताओ ना बच्चे, आर्यन आप बताइए, दीपाली बच्चे आप बताइए, सौरभ, रोहित, उदय। देखो बच्चे एक बात बता दूं मैं आपको, सब्जेक्ट क्या है और मेरी, मैं आपको बता दूं मेरी एक खासियत क्या है, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं बच्चे, मेरी एक खासियत है, आई मीन जानते हैं आप कैसी भी स्थिति रहे, मतलब मैं खुद देखिए, एक तो आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है एज ए स्टूडेंट, बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो थर्ड सेकेंडरी चीज, मैं बहुत पढ़ाने में इंटरेस्टेड रहता हूँ, मतलब मैं क्रेजी फॉर द स्टूडेंट पढ़ाने के लिए। अब आप बताएं बच्चे, मेरी जब क्लास नहीं होती है तो आप समझिएगा बहुत एडवर्स कंडीशन होगा, तभी नहीं लेंगे सर, नहीं थोड़ा बहुत मैं क्लास लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्लास नहीं लेना मैं दिन भर डिस्टर्ब रहता हूँ ठीक है ना। अरे यार क्लास नहीं लिया, इसीलिए आप सोचो कल मैं परेशान था, लेकिन मैं तुरंत मैसेज डाला साथ में ही कि नहीं संडे को कवर करूंगा क्लास। अब प्रॉब्लम, अब बस आपकी तरफ से पार्टी कॉर्पोरेट ये चाहिए कि जब भी कोई दिक्कत लगे मुझे बिंदास बता दे, बस कभी भी नहीं समझ में आ रहा सर ये हार्ड जा रहा है, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है बच्चे, ठीक है ना, एक्सपीरियंस भी बहुत है, एज भी बहुत ज्यादा है, तो चीजों को देखते देखते समझ गए, ठीक है ना। प्रोफेशनली 2011 से स्टार्ट कर दिया टीचिंग फील्ड को, 9-10 साल हो गया टीचिंग फील्ड में, और उसके बाद पढ़ाए कब का, 2006 में 12वीं पास किया, 15-16 साल हो गया पास आउट किए, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं बच्चे, तो हाँ अब करना क्या है आप लोगों को, आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लॉक तो आज मैंने खत्म कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है ना, खत्म है लॉक का, अब थोड़ा बहुत लॉग के और भी क्वेश्चंस रहेंगे इनइक्वालिटी के, वो ट्रिग्नोमेट्री में बाय डिफॉल्ट कवर होंगे, सॉरी मैं गलत हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे थोड़ा बहुत कवर हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पे अभी लॉग का सेक्शन खत्म, कल से स्टार्ट होगी ट्रिग्नोमेट्री। आपको क्या करना है, जो भी मैंने लेक्चर लिए, मैंने दो ही लेक्चर लिए हैं ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है ना, आपको मैं और क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप थोड़ा और प्रैक्टिस करिए और जितना कॉन्सेप्ट है उनको एक बार रिवाइज करिए, और इन जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, 6-7 क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक, और जो मैंने लास्ट ऐसे लिए, मैं देखो स्लोली स्लोली क्वेश्चंस करा रहा, ठीक है, और भी जो पुराने क्लासेस में कराए हैं
उन क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा ट्राई करो और उनके कॉन्सेप्ट देखो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्या क्या करना है और क्या क्या मुझे दिक्कत आ रही है, और उसको बाद एक रिकलेक्ट करिए तो लगेगा। तो संडे के जब मैं लेक्चर लूंगा ना तो इसका रिविजन करा दूंगा उस समय अच्छे से और एक बार, ठीक है ना। जो ये लॉगरिथम इनइक्वालिटी में फिर से मैं पढ़ा दूंगा, तब तक आपको पास तीन चार दिन मिल रहा है, आप तीन चार दिन में रिवाइज कर डालिए, समझ में आया ना। और हम लेक्चर्स को आगे लेके चलते हैं, उस दिन आराम से डेढ़ घंटे का समय रहेगा अपने पास, पूरा बिंदास होकर रिवाइज कर लेंगे। समय आपको चार दिन पांच दिन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी आप रिवाइज कर सकते हो, बचा हुआ पोर्शन जो है वो भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो। और संडे को अपन डाउट लेक्चर रख लेंगे, एक तरह से जो संडे का लेक्चर रहेगा वो डाउट लेक्चर के लिए डेडिकेटेड हो जाएगा। आपके एक एक बच्चे का डाउट क्लासरूम में समझाएंगे, ठीक है ना, इधर इधर सीधा सामने बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर, एग्री कर रहे हैं, अच्छा है कि नहीं, सही है कि नहीं ये बात, प्लानिंग सही है कि नहीं जो मैंने प्लानिंग किया कि संडे को डिस्कशन करेंगे एक एक चीज का, ठीक है ना। तब तक आप एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, वीडियो से देख लीजिए, ऑडियो से मतलब ऑडियो क्या है वीडियो से देख लीजिए, नोट से देख लीजिए और क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए। आज कौन सा दिन है, ट्यूजडे, आपको करीबन चार पांच दिन मिल जा रहा है। संडे को अपन आराम से बैठेंगे, 9 o'clock से टाइम रखेंगे, अगर आप कहोगे तो और सुबह रख लेंगे लेकिन 9 o'clock सही रहेगा, ठीक है ना, आपको सुबह फ्री कर देंगे, ठीक है ना, 9 to 10:30 तक पढ़ा, ठीक है ना। अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन रहा तो फिर आगे पीछे टाइम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं पूछ लूंगा आपसे, ठीक है ना, अभी अभी तो बहुत टाइम है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्योंकि हो सके आपका एग्जाम भी है, मुझे जहां तक याद है फिजिक्स केमिस्ट्री का आई थिंक एग्जाम है, मुझे लगता है जो पॉकेट टेस्ट मैथ्स का था वैसा ही था, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है लेकिन है, मैंने 4 अक्टूबर है, तो सुबह ही रख लेंगे क्लास, उसके बाद आराम से आप टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, लॉगरिथम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ग्रुप में इसीलिए तो भेज रहा हूँ कि पहले आप खुद से थोड़ा हाथ पांव लगा मार लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा समझिए, क्योंकि बच्चे अभी क्या है, अभी आपको पता है आज 6-7 क्वेश्चन हुआ, पिछले दिन 6-7, 12-13 क्वेश्चन में नहीं क्लियर हो रहा है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उस टाइप के क्वेश्चन में करीबन 10-15 और भेज दूंगा, और जो कॉन्सेप्ट समझाया हूँ उसी कॉन्सेप्ट का आप सपोर्ट लेके उनको और प्रैक्टिस करिए, और फिर मुझे आप लगे तो व्हाट्सएप पे भी सेंड करिए, मैं आपका चेक कर भी लेता हूँ, और फिर उन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डिस्कस संडे को ही करूंगा, ठीक है ना। यस या नो में रिप्लाई कर दूंगा कि सही है कि गलत है, क्या भी है जैसे भी है, ठीक है ना। चैतन्य बच्चे जयस, ठीक है ना बच्चे, इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। और लॉग के कुछ और फॉर्मल क्वेश्चन भी डिस्कस डाल दूंगा, आपको प्रैक्टिस करते रहिए, इतना दिन हमने एक लेक्चर्स लिया है, 12-15 लेक्चर्स लिया है कम से कम, तो उसको पूरा प्रॉपर यूटिलाइज करो आप, अब उसके कॉन्सेप्ट को सीखो और आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। किसी को और बताइए, ये प्लानिंग सही है ना कि नहीं, आप रिवाइज कर लोगे, सौरव आप भी रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। हाँ जी बच्चे, बराबर बोला ना बात, समझ में आया कि नहीं। और किसी को हार्ड नहीं जाना चाहिए, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, अदिति आप भी रिवाइज कर लीजिए, सब भी बच्चे एक तरफ से रिवाइज कर लें तो चीजें बहुत आसान होती जाएगी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए आज का दिन का, और आपके सभी डाउट मुझे भेज दीजिएगा सैटरडे तक, कि संडे को वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन सब ln x - ln 9 ≤ ln 3। अब ln से कंफ्यूज नहीं होना आपने को, ln मतलब नेचुरल लॉ, ठीक है ना। e की वैल्यू 2.7 के आसपास मैंने आपको बताई थी, से हेयर ढका है तो ऐसा आपको कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है कि सर ने क्या किया, जिसको थोड़ा सा बाल हटवाया, कुछ प्रॉब्लम थी इसमें, पिंपल्स वगैरह थे, बच्चे कहेंगे सर ने लुक चेंज कर दिया, ठीक है ना।
नहीं, कभी कभी आप नहीं पूछ रहे हो, कुछ कुछ बच्चे पूछते हैं, अरे सर ये क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों लगाया है, ठीक है ना। देखिए आप कुछ नहीं कंफ्यूज होंगे एलएन के नाम पे, आपको बस ये ध्यान रख, यहाँ पे बस वही वाली बात है, डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, वही है यहाँ पे भी वही चीज है, एक्स ग्रेटर देन जीरो तो डोमेन आपका डी आई हो जाएगा यहाँ। अब उसके बाद यहाँ पे आप जानते हो लॉग एम माइनस लॉग एन, आप कहोगे सर ये तो एलएन है, एलएन से क्या मतलब, लॉग एक्स बेस जीरो पॉइंट ई लिख देते तो लॉग हो जाता, तो यहाँ से क्या हो गया, फॉर्मूला तो वही होगा ना, बस बेस सेम होना चाहिए, एलएन एक्स अपॉन नाइन लेस आर इक्वल टू एल एन। अब एल एन डिमिनिश करना है लॉग, तो ये क्या होगा, अब ये ई था, आपको पता है ये ई है, दोनों साइड ई है, तो ई क्या होता है आपको पता है ना, वन से ज्यादा, क्योंकि टू पॉइंट समथिंग होता है, तो इन इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 27 से लेस, तो ये पार्ट वन, ये इक्वेशन, अब दोनों का कॉमन है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, ये क्या कह रहा है 27 से कम, यहाँ पे देखिए क्लोज है, इसीलिए मैंने क्या कराया, लेस आर इक्वल टू जीरो है ना, इसीलिए देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, क्लोज लेस आर इक्वल टू जीरो किया, और उसके बाद जीरो से ज्यादा, इसीलिए देखो यहाँ पे ओपन रखा, ये सर्कल ओपन रखने का मतलब जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये क्लोज रखने का मतलब ये 27 इंक्लूड हो रहा है, तो दोनों में रीजन क्या ले ले रही है, एक्स बिलोंग्स टू 027 क्लोज और यहाँ पर ओपन, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आया, किसी का आया था क्या ये आंसर, किसी बच्चे का ये आंसर आया था क्या, या क्लोज टू द आंसर थे आप, कोई बच्चा किसी का आया था या क्लोज टू आंसर थे, कोई बच्चा है इसमें, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, बच्चे आप एलन के नाम पे एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, एलन मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पे, बस ई की याद रखिए कि जो ई क्या है, एक से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, दैट्स इट, ये याद रखिएगा, और बाकी तो इस तरह से आप क्वेश्चन करते आ ही रहे हैं, रिवीजन थोड़ा सा फास्ट रखिएगा, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संडे को कह रहा हूँ, लॉग के रिवीजन कर लेंगे, स्पेशली इनइक्वालिटी का, तब तक आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, नथिंग एल्स, ठीक है ना, चलिए थैंक यू बच्चे, और जो भी आपको लगे तो पूछते रहिए, बिंदास होके पूछिए अविनाश सर से, ठीक है ना, मैसेज करिए, सभी के पास मेरा नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मैसेज किया है कई बार, तो आपके पास नंबर सबको मेरा होगा, सेव कर लीजिए सभी लोग नंबर मेरा, और कुछ भी लगे तो मोस्ट वेलकम, मुझे मैसेज करिए, ठीक है ना, ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू।